उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी कांवड़ यात्रियों के स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सीएम धामी का रानीपुर विधायक आदेश चौहान, लक्सरपुर विधायक संजय गुप्ता ने स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया। साथ ही आज के बाद पंचक समाप्त होने के बाद ज्यादा संख्या में कांवड़ियां पहुंच रहे हैं, इसके बाद हरिद्वार से अपने अपने जिलों के लिए रवाना होते रहेंगे। सीएम ने बताया कि करीब 4 करोड़ कांवड़ियां हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा हमारे यहाँ पर चल रही है। मैं माँ गंगा की कृपा से, भगवान की कृपा से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और कांवड़ यात्रा में इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी शिव भक्त आ रहे हैं और सारे शिव भक्त यहाँ से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। तो हम उनका माँ गंगा की इस पावन तट पर, गंगा की नगरी हरिद्वार में सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ यात्रियों का, सबका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। और क्योंकि एक नई शुरुआत आपने कहा, तो सच में एक नई शुरुआत हम लोगों ने इस बार की है। कांवड़ियों का बड़ा बहुत बहुत सौभाग्य है जो पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कांवड़ियों का जो स्वागत किया है। कांवड़ियों की बहुत जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, और हमारे जो बीजेपी सरकार है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और देश में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं।